नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिंकू, आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीरियस टॉपिक के बारे में। कॉइन D6 में जब भी हम पैसे ऐड करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने जितनी बार पैसे ऐड किए हैं उतनी बार हमारे पैसे ऐड हो जाएं। काफी बार जो पैसे हैं सिंपली वो पेंडिंग में चले जाते हैं या फिर रिजेक्ट हो जाते हैं, बट हमारे बैंक अकाउंट से जो भी हम पैसा ऐड कर रहे हैं कॉइन D6 में, वो पैसा हमारे बैंक से कट जाता है और सिंपली कॉइन D6 में वो पेंडिंग या रिजेक्ट हमको शो होता है। 10 दिन हो जाते हैं, कई बार महीने भी हो जाते हैं, और जो पैसा वो हमको रिफंड नहीं मिलता है। हम सिंपली बैंक में भी जाते हैं, सो बैंक वाले बोलते हैं कि आपने जहां पे भी ऐड किया था वहां पे ऐड हो गया। एंड सिंपली हम मोबीक्विक के माध्यम से करते हैं, मोबीक्विक पे जाते हैं, मोबीक्विक वाले बोलते हैं कि भाई देखो हमारे पास से भी पैसा जा चुका है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आप खुद कहीं पे भी आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, मोबीक्विक पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ मैं इस वीडियो में स्टेप बताऊंगा। सो इस वीडियो में दो प्रोसेस जानेंगे। पहला है INR वॉलेट में जब आप पैसे ऐड करते हैं रिजेक्ट हो जाता है, पेंडिंग में चले जाते हैं और आपको 48 आवर्स से ज्यादा हो जाता है। एंड सिंपली उसके बाद में आपको क्या करना है, और अगर आपका पेंडिंग में ही है, प्रोसेसिंग में ही है। सेकंड, अगर आप विड्रॉल कर रहे हो और आपने यहां से विड्रॉल किया है कॉइन D6 से INR बैंक अकाउंट में, आपको ऑलमोस्ट 48 आवर्स हो गए। वैसे तो विद इन सेकंड मिलता है, बट मान लो कि आपको नहीं मिला तो आप किस तरीके से टिकट क्रिएट करेंगे, सो इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं कॉइन D6 के बारे में, तो कॉइन D6 का जो प्लेलिस्ट है वो चेकआउट कीजिए। तो जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करेंगे, सो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। अगर आपके पास PC है, सो PC का उपयोग कर लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। मोबाइल है, सो मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि भाई PC हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट ए रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है एक्सचेंज। देखिए, अगर आपने कॉइन D6 प्रो पे जो पैसे हैं वो डिपॉजिट किए हैं और आपको ये समस्या हुई है, कॉइन D6 प्रो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। एंड अगर आपने कॉइन D6 की वेबसाइट के माध्यम से पैसे ऐड किए थे या फिर कॉइन D6 के मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पैसे ऐड किए थे, सो कॉइन D6 आप सेलेक्ट कीजिए। तो मेरी कंडीशन में सपोज दैट मैं यहाँ पे कॉइन D6 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको रजिस्टर ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है, रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद में यहाँ पे हमको जो हमारी क्यूरी टाइप है वो सेलेक्ट करनी है, सो इस बॉक्स पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा INR डिपॉजिट एंड विड्रॉल, तो यहाँ पे मैं इसका चयन करूंगा। अब यहाँ पे हमको इशू क्या है, INR डिपॉजिट में प्रॉब्लम है या फिर INR विड्रॉल में। सबसे पहले जानेंगे INR डिपॉजिट में, तो यहाँ पे मैं INR डिपॉजिट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब INR डिपॉजिट में आपको इशू क्या है, आपका स्टेटस क्या आपको शो हो रहा है, वो हमको यहाँ पे सेलेक्ट करने है कि एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम है क्या। सो सबसे पहले आप यहाँ पे जो डिपॉजिट है वो कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। उसके बाद में आपका जो पैसा है वो डिडक्ट हो चुका है बट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है आपके वॉलेट में, यानी कि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट चुका है बट जो INR है वो आपका एक्सचेंज में दिख नहीं रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। उसके अलावा INR डिपॉजिट जो रिक्वेस्ट है सिंपली वो रिजेक्ट हो गई है, यानी कि पैसा आपने पे कर दिया ये मान लो, बट वो रिजेक्ट हो गया है। उसके बाद में जो INR अमाउंट है वो इनकरेक्ट दिखा रहा है, वैसे ये प्रॉब्लम किसी की होती नहीं है। अब यहाँ पे मोस्टली जो INR आप डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे काम का यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहला है जो मनी है वो बैंक से कट चुका है बट वॉलेट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, मनी डिडक्ट हो चुका है बैंक अकाउंट से बट वॉलेट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। और अगर आपका स्टेटस आपको कंप्लीट दिखा रहा है कि कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में हमको यहाँ पे इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अदरवाइज मनी जो हमारा है पेंडिंग में है या रिजेक्ट हो चुका है, अगर पेंडिंग में भी है तो आप सिंपली रिजेक्ट वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो आपको बहुत टाइम हो गया, 1-2 दिन हो गया और वो अभी भी पेंडिंग में है, वैसे मैक्सिमम 24 आवर्स रहता है बट आपकी कंडीशन में हो गया टाइम हो जाता है कई बार इश्यूज, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम जो INR डिपॉजिट रिक्वेस्ट रिजेक्ट वाला ऑप्शन है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा जो है ना काम, वो है एविडेंस कलेक्ट करना, प्रूफ कलेक्ट करना, आपको प्रूफ दिखाना और सही तरीके से दिखाना और सही तरीके से इस फॉर्म को फिल करना, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि मनी डिडक्ट हो चुका है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है वॉलेट में, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद में आपसे पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि आपने एक्चुअल में जो मोड है वो कौन सा यूज किया था पैसे डिपॉजिट करने के लिए, यानी कि आपने कौन सा माध्यम चुना था पैसे डिपॉजिट करने के लिए। सो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे सामने 4 ऑप्शन आ जाते हैं। अब आप जो भी यूज करते हो ना वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब जैसे कि मोस्टली मेरे हिसाब से मोबीक्विक वाले ही होंगे आप, बट अगर आपने UPI से पे किया, वैसे चलता ही नहीं है, चले तो कितनी खुशी की बात है। कैसा लगा मेरा मजाक?
उसके बाद में यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग में भी हो सकता है आपको इश्यू, IMPS RTGS में तो बहुत कम चांसेस होते हैं। उसके बाद में आपसे पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ कि आपने एक्चुअल में पैसे भेजे कब थे, यानी कि पेमेंट कब किया था। सो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके, सो यहाँ पे कैलेंडर खुलेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सो आपने जिस भी डेट पे, ठीक है, जिस भी डेट को पैसे पे किए थे, आपको स्टेटस रिजेक्ट दिखा रहा होगा ना, उसी पे आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि कैसे आपको चेक करना होगा, तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, नीचे अकाउंट पे क्लिक करेंगे और जो भी अवेलेबल बैलेंस होगा आपका, जो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपने जितने भी ट्रांजेक्शन किए होंगे पास्ट में, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि जो भी आपने डिपॉजिट किया था उसकी डेट एंड टाइम आपको यहीं पे दिखाई देगा। जैसे मेरा 2000 रुपए रिजेक्ट है, मैंने यहाँ पे 10 जनवरी को किया था, मैं इस पे क्लिक कर लूंगा। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मुझे यहाँ पे पूरी डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। सो यहीं से मैं जो डेट है सिंपली वो सेलेक्ट कर लूंगा। सो ऐसा कोई बड़ा काम है नहीं कि भाई मैंने कौन सी डेट को किया था आपको नहीं पता, उस हिसाब से आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे 13 जनवरी कर लेता हूँ लेटेस्ट, यानी कि मैंने आज ही किया है। उसके बाद में आपने कितना पैसा पे किया है वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। आपने जितना भी किया, सपोज दैट मैंने 100 रुपीज किया, सो मैंने यहाँ पे जो 100 रुपीज है वो डाल दिया। अब सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये है कि जो ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर है ना वो आप प्रोवाइड करवाइए। जो ये ट्रांजेक्शन नंबर है या फिर आप ये रेफरेंस नंबर बोल सकते हो, कुछ भी, ये कैसे मिलेंगे और कैसे आप प्रोवाइड करवाएंगे वो जानेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या सेलेक्ट किया, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया MobiKwik वॉलेट, मतलब मुझे बैंक से मतलब ही नहीं है। बैंक से पैसा कटा है बट बैंक से मुझे मतलब नहीं है, कतई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरे MobiKwik वॉलेट के पास मुझे जाना है और उसमें देखना है। उसमें कैसे देखेंगे, सबसे पहले MobiKwik वॉलेट को आपके मोबाइल में आपको इंस्टॉल करना है और आपका अकाउंट लॉग इन करना है। उसके बाद देखो नीचे यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे, हिस्ट्री पे क्लिक करना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे PC में दिखा देता हूँ, बाकी सेम है। अब यहाँ पे PC में मैंने ना MobiKwik की वेबसाइट पे ओपन कर लिया अपना अकाउंट और यहाँ हिस्ट्री पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे मैंने जितने भी पैसे पे किए हैं ना वो सारी डिटेल यहाँ दिखा रहा है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में मेरा कौन से ट्रांजेक्शन की क्या डिटेल है। अब यहाँ पे भी आपको देखना होगा कि आपने एक्चुअल में जब पैसे ऐड किए थे वो कितनी तारीख को किए थे एंड कितना वो पैसा था, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा राउंड फिगर करता हूँ, अब यहाँ पे मैंने अपना हिस्ट्री को थोड़ा सा स्क्रॉल किया एंड यहाँ पे मैंने लगभग 8000 के समथिंग पैसे ऐड किए, सपोज दैट मैं ये मान लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे 29 तारीख को ऐड किए थे, यानी कि 29 तारीख को ऐड किए थे। उसके बाद में मैं यहाँ पे वेबसाइट पे आऊंगा और यहाँ पे देखूंगा 8000 का पेमेंट किया था 29 को, ये रहा। अब यहाँ पे जो 94 रुपीज है ना वो 94.40 रुपए ना एक्स्ट्रा फी है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी हम पैसा ऐड करते हैं तो कुछ ना कुछ फी जो लग जाती है। इनवॉइस पे क्लिक करना है। सो जैसे ही आप इनवॉइस पे क्लिक करेंगे ना, आपको यहाँ पे इनवॉइस देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले ना आपको डेट, टाइम, एग्जैक्ट सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि आप जो पैसा पे कर रहे हो ना उससे मैच हो जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मेरे 8000 के पेमेंट पे, यहाँ पे अगर आप मेरा आईडी देखेंगे लास्ट में जो रेफरेंस नंबर है वो अगर आप देखेंगे तो 161 के समथिंग है, और यहाँ पे दिखाऊं सो यहाँ पे भी 161 है। अब आप क्या करेंगे, या तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर ये जो इनवॉइस है इसको डाउनलोड करेंगे। और उसके बाद में आपको क्या करना, हमारा जो ऑर्डर नंबर है ना वही हमारा रेफरेंस नंबर है, एंड जो रेफरेंस नंबर है उनको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट आपको डालना है। सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, हमारा मनी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है वॉलेट में। डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। मैंने थोड़ा सा इसलिए बोला है क्योंकि आपने सारी डिटेल्स ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी हैं, बस आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है। सबसे पहले आपको अगेन यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो डेट है, टाइम है, वो यहाँ पे आपको बताना है, और जो भी अमाउंट है वो आपको बताना है। और आपके वॉलेट में जिससे भी आपने पैसे पे किए हैं, जैसे MobiKwik से किए हैं, तो MobiKwik के जो भी मोबाइल नंबर है और MobiKwik में जो भी ईमेल आईडी आपकी रजिस्टर है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है। दैट्स इट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो जस्ट अभी हम PDF लेके आए थे ना, जस्ट हमने इनवॉइस डाउनलोड की थी MobiKwik के माध्यम से, वो इनवॉइस यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद में आपको सबमिट करना, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर Coin D6 की टीम की तरफ से आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी पे ऑटोमेटिकली ईमेल आ जाएगा, एंड जो भी सिंपली डिटेल होगी वो आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगी। और इसी ईमेल आईडी के माध्यम से आप Coin D6 की टीम से बात भी कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। मैक्सिमम 7 वर्किंग डे के अंदर जो भी आपका पैसा होगा वो आपके MobiKwik वॉलेट में मिल जाएगा, अगर MobiKwik वॉलेट से कटा है, फिर आपके डेबिट कार्ड से कटा है, तो डेबिट कार्ड में आपको वापस से रिफंड हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपने जो पैसा है वो MobiKwik के माध्यम से डिपॉजिट नहीं किया था, आपने यहाँ पे नेट बैंकिंग के माध्यम से किया था या IMPS के माध्यम से किया था। अगर आप UPI से करते हैं तो फोन पे की स्ट्रीम में जाके प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप इंटरनेट बैंकिंग या IMPS, NFT या RTGS के माध्यम से करते हैं तो क्या करना है कि
या तो मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग, जो भी बैंक है उसकी जो इंटरनेट बैंकिंग है उसको ओपन कर लेंगे या मोबाइल बैंकिंग को, और जो स्टेटमेंट है अकाउंट का वो ओपन करेंगे, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, हर बैंक अपने हिसाब से प्रोवाइड करवाता है। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले डेट देखने के लिए मिलती है, उसके बाद में जो भी ट्रांजेक्शन है वो देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनके रेफरेंस नंबर, जो भी डेट है वो, विड्रॉल डिपॉजिट, जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो, ठीक है। मान लेता हूँ कि मैंने कल 12 तारीख को कुछ पैसे यहाँ पे भेजे कॉइन डीसीएक्स में, बट यहाँ पे जरोदा मान लेता हूँ, एज ए एग्जाम्पल हम जरोदा को कॉइन डीसीएक्स मानेंगे, ठीक है। यूपीआई के माध्यम से मैंने भेजे और यहाँ पे मुझे जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे मिल रहा है कि आपका रेफरेंस नंबर ये है। अब कल को अगर मुझे कुछ इश्यूज होते हैं फोन पे का जो सिंपली आईडी होता है, यानी कि जो ट्रांजेक्शन आईडी होता है उससे वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, सो मैं अपने बैंक से जो स्टेटमेंट है उसको निकालूंगा और जो रेफरेंस नंबर दिख रहा है ना वो जरोदा को दे दूंगा, यानी कि मान लो ये ट्रांजेक्शन था कॉइन डीसीएक्स का, सो कॉइन डीसीएक्स को दे दूंगा। अब ये कैसे दूंगा, सेम वही टिकट में हम, सो यहाँ पे वही हमारा जो ट्रांजेक्शन नंबर है, रेफरेंस नंबर है, वो यहाँ पे हम प्रोवाइड करवा देंगे। बहुत ही सिंपल सा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अस्ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।